तस्वीरों में नजर आ रही इस लड़की का नाम अनम फातिमा है। अनम 27 साल की थी और इसी साल फरवरी में उसकी बेहद धूमधाम से शादी हुई थी। इस समय वह 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अनम अपने पति मोहम्मद अजहर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन अजहर का दिल किसी और लड़की पर था। वो उस लड़की से रात भर बातें किया करता था। एक दिन पति अजहर को अनम ने किसी और लड़की से फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया। दोनों में झगड़ा हुआ और फिर अजहर ने बड़े ही बेरहमी के साथ अनम का गला घोटकर उसे मार डाला। उसने इस बात का भी तरस नहीं किया कि उसकी कोख में एक और जान पल रही है। पत्नी को मारने के बाद पति अजहर ने पूरे परिवार को गुमराह किया। अनम के परिवार को बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान तबीयत खराब होने की वजह से अनम की मौत हुई है, लेकिन अनम के परिवार ने शक जाहिर करते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी और अब पुलिस ने उसके पति को अरेस्ट करने के साथ ही इस पूरे हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है। अनम को दफनाने के बाद उसके शव को 10 दिन के बाद कब्र से निकाला गया। मामला राजस्थान के जयपुर का है। यहाँ के जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में अनम फातिमा की 29 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। अनम 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। मृतक महिला के पति मोहम्मद अजहर ने परिजनों को गुमराह करके शव को कब्र में दफना दिया था। परिजन मृतका अनम फातिमा की हत्या से अनजान थे। परिजनों को लगा कि प्रेगनेंसी की वजह से अनम की मौत हो गई। परिजनों की ओर से पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई थी। महिला के पति के साथ पूरा परिवार शोक मातम मना रहा था, लेकिन दफनाने से पहले परिवार के सदस्यों ने अनम के गले पर चोट के निशान देख लिए, लेकिन पति मोहम्मद अजहर ने पूरे परिवार को फिर से गुमराह कर दिया। लेकिन परिजनों को शक हुआ, जिसकी बेटी से 4 से 5 घंटे पहले पूरा परिवार मिलकर आया था, अचानक उसकी तबीयत इतनी कैसे खराब हो गई कि उसकी जान ही चली गई। शक की गहराइयों के बीच परिजनों ने जयसिंहपुरा खोर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मामला दर्ज होने के बाद एसडीएम की मौजूदगी में महिला का शव कब्र से खोदकर बाहर निकाला गया। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के दौरान गला दबाकर हत्या करने का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो महिला का पति मोहम्मद अजहर ही हत्यारा निकला। शनिवार को पुलिस ने महिला के पति मोहम्मद अजहर को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतक महिला के पति अजहर का एक अन्य महिला के साथ अफेयर चल रहा था। पत्नी ने अपने पति को फोन पर महिला से बात करते हुए सुन लिया था। दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही आरोपी अजहर ने अपनी पत्नी अनम का गला दबाकर उसे मार डाला। हत्या के बाद आरोपी प्रेगनेंसी से तबीयत खराब होने का ड्रामा करता रहा, लेकिन पुलिस ने कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक अनम के पिता मुन्ना खान ने बताया कि उनकी 27 साल की बेटी अनम फातिमा का फरवरी में ही निकाह हुआ था। शादी के बाद से ही उनका दामाद अजहर उनकी बेटी को टॉर्चर करता था। उनकी बेटी 5 महीने के गर्भ से थी, लेकिन उनके दामाद ने बेटी पर जरा भी रहम नहीं खाया और उसकी हत्या कर डाली। फिलहाल पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी अजहर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।